हजरात ने अपने कीमती कामों को आगे पीछे कर कर हमारी दावत पर लब्बैक कहा और हमारे इस छोटे से प्रोग्राम को कामयाब बनाने के अंदर हमारा साथ दिया। आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए हमारे अरीबा टूरिज़्म के जो ऑनर हैं मौलाना मोहम्मद इरफान साहब बादमान पूना वाले, मैं इनसे गुजारिश करता हूँ कि अरीबा टूरिज़्म क्या है, हमारी खिदमात क्या है, हम कैसे काम करते हैं और संगम नहर के अंदर अभी तक तो हज और उम्रा के लिए मुस्तकिल ऐसा ऑफिस कायम कर काम नहीं हुआ है। इनफ़रादी तौर पर लोगों ने बहुत काम किया है लेकिन ये अहलिया ने संगम नहर के लिए बहुत बहुत खुशी और मसरत का मौका है कि आज हमारे यहाँ पर संगम नहर के अंदर ऑफिस की शक्ल में, एक ऑथेंटिक ऑफिस की शक्ल के अंदर हज और उम्रे का और टूरिज्म काम शुरू होने जा रहा है। मैं मौलाना मोहम्मद इरफान साहब बागवान से गुजारिश करता हूँ कि अरीबा टूरिज्म ताल्लुक से आप हजरात के सामने अपनी खिदमात और अरीबा टूरिज्म क्या है वो आपके सामने मुकम्मल बात पेश करेंगे। मौलाना इरफान साहब, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो आप तमाम लोगों का जितना भी शुक्र अदा करो उतना कम है कि आप लोगों ने इस छोटे से वक्त में, इतनी छोटी सी नोटिस में आप लोगों ने लब्बैक कहा और इस मजलिस में आप लोग शरीक हुए। साथियों, अरीबा टूरिज्म क्या है और अरीबा टूरिज्म से आपको क्यों जुड़ना चाहिए? सबसे पहले तो मैं अपना तारुफ करा दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह हज उम्रा और टूरिज्म इंडस्ट्री में तकरीबन 15 साल से मैं काम कर रहा हूं और अल्हम्दुलिल्लाह अरीबा टूरिज्म ऑथेंटिक होने के साथ साथ लाइसेंस होल्डर है, सबसे पहली बात। और ये बात मैं जुबानी नहीं कह रहा हूं, ये बात आज सबके पास, एक बात मैं आपसे कहूं कि ये टेक्नोलॉजी है, मोबाइल है, इंटरनेट का जमाना है। आप अरीबा टूरिज्म सर्च करें आपको पूरी जानकारी इंटरनेट पर मिल जाएगी। और अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा लाइसेंस होल्डर और हज का लाइसेंस होल्डर अरीबा टूरिज्म एक ऐसी कंपनी है। अरीबा टूरिज्म में काम क्या क्या होते हैं ये भी आपको समझना जरूरी है। अल्लाह के फजल से अरीबा टूरिज्म में जहां हज और उम्रे का काम होता है वहां पर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टूरिज्म का भी काम करते हैं हम लोग। 65 कंट्री के वीजा प्रोसेसिंग अरीबा टूरिज्म के अंडर में होते हैं और सिर्फ हमारे ऑफिस से होते हैं। साथ ही साथ हम आयाटा होल्डर है, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्टेशन एसोसिएशन के हम मेंबर है, इसके अंडर में हम तकरीबन 20 ज्यादा एयरलाइन में काम करते हैं जो इंटरनेशनल भी है और डोमेस्टिक भी है। अगर मैं दूसरे काम की तरफ जाऊं तो अरीबा टूरिज्म के अंदर आरे का भी अरीबा टूरिज्म के पास लाइसेंस है। अरीबा टूरिज्म आरे का लाइसेंस मीन्स रिक्रूटमेंट एजेंट, मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ हज और उमरा की तरफ से ये बिल्कुल अप्रूव शुदा एक लाइसेंस हमारे पास है कि हम अब्रॉड में या चाहे जीसीसी कंट्री हो चाहे यूरोपियन कंट्री हो, इन कंट्री में हम जॉब रिक्रूटर बोलकर हम अपने आप को प्रेजेंट करते हैं और इसका लाइसेंस अल्हम्दुलिल्लाह अरीबा टूरिज्म के पास है। साथ ही साथ एक और एक लाइसेंस जो अरीबा टूरिज्म के अंडर में आता है वो है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का। अल्हम्दुलिल्लाह अरीबा टूरिज्म के अंडर में हमने कई चीजें इम्पोर्ट भी की और एक्सपोर्ट भी की, चाहे वो लॉकडाउन का टाइम हो या लॉकडाउन के पहले भी हम लोगों ने ये काम किया। आपने लॉकडाउन के अंदर ये बात भी सुनी होगी कि जो जीसीसी कंट्री में काम कर रहे हैं यानी गल्फ कंट्री में काम कर रहे हैं वो लोग इंडिया आ गए लेकिन जा नहीं सके, तो उन लोगों को भी अरीबा टूरिज्म में स्पेशल चार्टर फ्लाइट के थ्रू, जब फ्लाइटें बंद थी कोविड में, आप यकीन माने 5000 से ज्यादा बंदों को अरीबा टूरिज्म ने उनके काम, उनके जॉब तकरीबन 17 से ज्यादा कंट्री में भेजा है, 17 से ज्यादा कंट्री से होकर उनको भेजा है। और ये बात मैं अपनी जुबान से नहीं कह रहा हूं, आप YouTube पे जाएंगे, अरीबा टूरिज्म का आपको YouTube चैनल मिलेगा, उसमें आपको कई सारी वीडियो देखने मिल जाएंगे और उनका फीडबैक भी मिलेगा। साथ ही साथ मैं आप लोगों से यही बात कहूंगा कि अरीबा टूरिज्म जब काम कर रहे हैं, हम ये बात हमने बारह कही है कि हमारा यही एम है कि जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े उन लोगों को सर्विस अच्छी से अच्छी मिले, चाहे वो हज का सेक्टर हो, चाहे उमरे का सेक्टर हो, चाहे कोई और दूसरा सेक्टर हो। आप तमाम लोग अरीबा टूरिज्म से जुड़े, अरीबा टूरिज्म की खिदमात से आप फायदा उठाए। अब अगर मैं सर्विस के बारे में, सिर्फ हज और उमरा के टॉपिक में अगर मैं बात कहूं, हमारे पास इकोनॉमी बजट से लेकर प्रीमियम पैकेज तक हम लोग सर्विस देते हैं।
मैं आपको दावे के साथ नहीं बल्कि फखर के साथ बोलता हूँ, आप फोटो में उंगली रखो और कहो कि ये होटल में मुझे रिहाइश मांगना है, आपको अरिबा टूरिज्म वो होटल में आपकी रिहाइश कराएगा। क्यों इतना मैं कॉन्फिडेंस के साथ क्यों कह रहा हूँ? पहली बात तो हमारा रिजर्वेशन का एक चैनल बहुत मजबूत है, साथ ही साथ उमरा की कंपनी हमारी खुद की है, एयर टिकट हमारे पास से इश्यू होती है अल्लाह के फजल से। अभी मैं 25 तारीख का आपको वाकया सुनाता हूँ। 25 तारीख 3 दिन पहले की बात है, हमारे साथ एक साथी जा रहे थे उमरे के लिए, बेटा जा रहा था उमरे के लिए, उनके बड़े भाई का मुझे फोन आया सुबह 10 बजे, शाम को 9:30 बजे की फ्लाइट है 9:40 की इंडिगो की, सुबह में 9:30 बजे उनका कॉल आता है, मौलाना साहब मुझे मेरे अम्मी को भाई के साथ उमरे के लिए भेजना है। मैं बोला भाई इतना अर्जेंट में तो नहीं होगा। बोले देखो अगर हो गया तो आप कर दो। तो मैंने बोला ठीक है। 12:30 बजे मैंने उनके काम पे प्रोसेस किया, मैंने बोला भाई वन वे टिकट अभी मारेंगे, आगे के टिकट का मैं इंतजाम करता हूँ, 38,000 वन वे टिकट का अभी फेयर आ रहा है, आपको मंजूर है? उन्होंने कहा ठीक है। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा आप चाकन से निकलो एयरपोर्ट पहुंचो मैं वीजा भेज दूंगा आपको। मैंने क्या कहा, उमरा वीजे की बात कर रहा हूँ, 12:30-1 बजे मैंने उनको कहा कि आप 12:30 बजे आप निकल जाओ एयरपोर्ट पहुंचो मैं उमरा वीजा भेज दूंगा। मैंने उमरा वीजा अप्लाई भी किया सऊदी से, उसको अप्रूव भी कराया और उनको भेज भी दिया। तो ये सर्विस हम लोग देते हैं। आप अगर बजट पैकेज आप चाहते हो कि हमको बजट पैकेज के अंदर आप सर्विस दें, हम वो भी आपको देंगे। आप कहते हैं इकोनॉमी में तो हम वो देंगे, आप कहते हो डिलक्स में चाहिए हम वो भी देंगे, आप कहते हो कि प्रीमियम में चाहिए हम वो भी आपको देने के लिए तैयार है, बिकॉज हम लाइसेंस होल्डर है। मैं आपसे यही बात कह रहा हूं कि ये जो ऑफिस यहाँ पर ओपन किया है हमने, उसकी वजह सिर्फ यही कि कई सारे इसके अंदर हमारे साथ जाकर आए भी है, इंशाल्लाह इस प्रोग्राम के इंतहा में हम उनका फैसिलिटेशन भी करेंगे। बट मेरा बोलने का मकसद ये है कि जब हम लाइसेंस के साथ काम कर रहे हैं तो हुकूमत की तरफ से भी हमारे पास पासपोर्ट है, हमें पूछा जाएगा, और जब तक हमारा रिकॉर्ड क्लियर नहीं होगा तब तक हमें लाइसेंस भी नहीं मिलेगा। इसलिए आप ऑथेंटिक और लाइसेंस होल्डर टूरिज्म से जुड़ने जा रहे हो, मेरा बताने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है, आप अरिबा टूरिज्म से जुड़े, इसके जो जो काम है उन तमाम कामों से फैसिलिटी से आप फायदा उठाएं। इससे हमें भी खुशी होगी कि हम आपको फैसिलिटी दे रहे हैं और आप लोगों को भी घर बैठे जो हमको दूर दूर जाके भटकना पड़ता वो आपको आपके शहर में यानी संगम नेर में इसका फायदा मिलेगा। तो बस मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मुफ्ती सालिम साहब से जुड़े और अरिबा टूरिज्म से जुड़े, इंशाल्लाह इसमें आपको भी नफा होगा हमें भी नफा होगा, और अलग अलग महीने में अलग अलग हमारी स्कीम निकलती है खास करके उमरा को लेकर। अगर आप वेकेशन प्लान बाहर भी कर रहे हो तो वो भी पैकेजेस आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो आप अरिबा टूरिज्म से जुड़े, बस इतना कहकर मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।